द किंग ऑफ कॉमेडी कपिल शर्मा जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन ना तो भारत में पहले कोई था और ना ही अब तक कोई आया। इनका एक एपिसोड देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग ट्रैवल करके आते हैं। एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, डबिंग हो, गाना गाना हो, हर एक जगह इनके जोक्स बुजुर्ग से लेकर जेन ज़ेड तक को लुभाते हैं। पर एक सवाल, जब ये सोनी लिव से एक एपिसोड के लिए 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, फिर नेटफ्लिक्स को क्यों ज्वाइन किया? क्या इसमें कोई मकसद है? जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये टाइटल सुनने के बाद आई नो आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको झटका लगा होगा, पर रुक जाओ, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि दिस इज ट्रू। कपिल शर्मा जो कि भारत के नंबर वन स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिन्होंने हमें हंसाने के लिए 4 टीवी शोज तक किए, जिसमें से आई नो ये 2 तो हमारे पक्का फेवरेट ही होंगे, कॉमेडी नाइट विद कपिल एंड द कपिल शर्मा शो। फिर वो 2 कौन से हैं? उसमें से पहला है फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शो एंड दूसरा है द हनी बनी शो विद कपिल शर्मा, जिनके नाम ना बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शो को ना सस्पेंड कर दिया गया था काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, जर्नलिस्ट विकी के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रीड कर सकते हो। वहीं पर द हनी बनी शो विद कपिल शर्मा ये किड्स के लिए बनाया गया था। इतने सभी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद भी ना द कपिल शर्मा शो की व्यूअरशिप पता कितनी थी? 54 मिलियन व्यूअर्स। इतनी तो बाजीराव मस्तानी जो कि कलर्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है उनकी भी नहीं थी। जैगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग ना जब द कपिल शर्मा शो 9:30 से 9:45 पर टीवी पर आना होता ना तो लोग सारे काम छोड़ इसी शो को देखते। पर डॉक्टर गुलाटी के बिना ना ये शो हमेशा से अधूरा है, क्योंकि तेरी वजह से 1100 रुपए नहीं जीत पाई मैं। मुझे पता होता ना क्रिकेट में इतना बड़ा जीरो है तू, तेरे बदले कपिल देव को ले लेती मैं। हम लोग जानते हैं 2017 और 18 में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में फाइट की वजह से सुनील ग्रोवर इस शो को छोड़कर चले जाते हैं, वहीं पर दूसरी ओर शो को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर 2018 में जब इस शो को दोबारा शुरू किया गया ना तो इसको टीआरपी रेस पे आते आते 1 साल का समय लग गया। फिर जब 1 साल के बाद ये रिकवर करता है और 5th मोस्ट वॉच टीवी शो बनता है, तब नेटफ्लिक्स को ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। उनको पता है कि हमारा इंडियन कंटेंट ऑलरेडी कुछ खास नहीं चल रहा, तो और उन्होंने देखा कि कपिल शर्मा शो हम सब भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए वो अपने प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करते हैं द ग्रेट कपिल शर्मा शो। अब यहाँ पर आता सबसे बड़ा कैच, क्योंकि ये कॉन्टेंट फैमिली फ्रेंडली है, इसलिए आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी ना। पर गौर करना, नेटफ्लिक्स पर ना कपिल शर्मा ने 2022 में स्टैंड अप स्पेशल आई एम नॉट डन इट एक एपिसोड किया था जो कि इतना खास नहीं चला। फिर भी ऐसा पता क्यों? क्योंकि इस बार द ग्रेट कपिल शर्मा शो पर सिर्फ कपिल शर्मा, कृष्णा, भारती, सुमोना और किको ही नहीं होंगे, बल्कि हम सब लोगों के फेवरेट डॉक्टर गुलाटी मतलब सुनील ग्रोवर भी होंगे, जिससे एंगेजमेंट डबल जा सकते और इसका प्रूफ भी है। आप सब लोगों को याद होगा जब 2017 में सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो छोड़ा था, उसकी वजह से ना ये शो टॉप 10 इंडियन टीवी शोज की लिस्ट से बाहर चला गया और एक ही हफ्ते में इंप्रेशन 6 मिलियन से सीधा 5.3 मिलियन गिर गया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज आज 78% भारतीय लोग टीवी पर ऑनलाइन कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं और धीरे धीरे करके स्मार्ट टीवीज की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और इससे नेटफ्लिक्स अपनी डगमगाती हुई हालत को सुधारने की कोशिश कर रहा है। पर मैंने ऐसा क्यों कहा? अब हुआ परिवार पूरा, जल्द आ रहे नेटफ्लिक्स पर। फेब 2018 जब दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट में नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने ना बड़े जोरों शोरों से कहा था कि नेक्स्ट 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स भारत से तो पक्के हैं, वहीं पर 2 साल के बाद जब उनके इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हुई उस समय ना उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार 46 मिलियन सब्सक्राइबर, अमेजॉन प्राइम वीडियो 19 मिलियन सब्सक्राइबर, वहीं पर नेटफ्लिक्स सिर्फ 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर। इसके पीछे ना 2 बड़े कारण है जिसको रिप्लेस करने के लिए नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर द ग्रेट कपिल शर्मा शो को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें पहला है पुअर देसी कॉन्टेंट। आप चाहे तो ना पिछले साल की टॉप 10 इंडियन सीरीज को देख लो, उसमें से सिर्फ एक ही वेब सीरीज द कोटा फैक्ट्री नेटफ्लिक्स से, यकीन नहीं हो रहा, जैसे फर्जी अमेजॉन प्राइम, रुद्र हॉटस्टार, ताजा खबर हॉटस्टार, स्कैम 1992, सोनी लिव, पुष्पा अमेजॉन प्राइम, पंचायत अमेजॉन प्राइम, द फैमिली मैन सीजन 2 अमेजॉन प्राइम,
तो इसलिए बेशक नेटफ्लिक्स फॉरेन कंटेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट को आज तक समझ नहीं पाया। नंबर टू, बंडल सर्विसेज। इसका जवाब आप खुद दोगे। देखो, जब भी आप Amazon Prime की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ्री डिलीवरी, Amazon Prime Music और Kindle पर एक्सक्लूसिव डील्स मिलती हैं और नेक्स्ट लेवल कंटेंट तो दिखाया जाता ही है। वहीं पर अगर हम Disney Plus Hotstar की बात करें तो फ्री में ICC Men's World Cup दिखाया गया था, जिससे उस पर सब्सक्राइबर बेस 0.7 मिलियन से 38.3 मिलियन बढ़ा था। तो इसलिए बेशक Netflix अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को चीप बता रहा है, कम बता रहा है, पर एज पर कॉन्टेंट वो हम सब लोगों के लिए हमेशा एक्सपेंसिव ही रहेगा। और ये बात Accenture रिपोर्ट ने खुद कही है कि 74% इंडियन सब्सक्राइबर्स Netflix को एक्सपेंसिव मानते हैं। ये सुनने में जितना ज्यादा अजीब लग रहा ना, उतना ही ज्यादा सच है, क्योंकि Netflix जो कि भारत में काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है, अब वो कपिल शर्मा को अपने शो पर लाकर भारतीय लोगों में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके रिजल्ट हम कंटेंट में भी देख सकते हैं। तो इस ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए ना, Netflix छुपके से अपनी इन तीन चीजों को बढ़ा रहा है। पहला है बिंज वॉचिंग। इसका मतलब ये है कि हम कम ही समय में YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, एक वेब सीरीज के एक सीजन के मल्टीपल एपिसोड्स को देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं बिंज वॉचिंग करना, जिसको एप्पल एप्पल टीवी प्लस, डिज्नी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू हर वीक एपिसोड लाकर ना कस्टमर को एडिक्ट करवा रहा है। अब नेटफ्लिक्स भी इस सीरीज में शामिल हो रहा है द ग्रेट कपिल शर्मा शो को लाकर, क्योंकि हर वीक न्यू एपिसोड न्यू सेलिब्रिटी से उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। नंबर टू, सब्सक्रिप्शन। हम लोग जानते हैं कि द ग्रेट कपिल शर्मा शो के एपिसोड हर वीक आएंगे, मतलब अगर लोग इस शो को देखना चाहते हैं तो वे सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे Netflix को मौका मिलेगा कि वो न्यू मूवीज और न्यू शोज को प्रमोट करे। और हम लोग जानते हैं कि हम भारतीय लोग ऐसे हैं कि अगर किसी चीज पे पैसा लगाते हैं तो उसे पूरा निचोड़ कर यूज करते हैं। नंबर थर्ड, क्रिएटर फर्स्ट प्लेटफॉर्म। ये बात तो हम सब लोगों से छुपी नहीं है कि टीवी चैनल्स TRP लाने के लिए किस लेवल पर चले जाते हैं, हर एक चीज को बड़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे टीवी सीरियल्स, बिग बॉस। पर Netflix क्रिएटर फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना क्रिएटर्स को पूरी फ्रीडम दी जाती है, उनके हाथ में कंट्रोल होता है ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर सके। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या द ग्रेट कपिल शर्मा शो Netflix के इन सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।